नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जिसकी लागत 2 रुपए और ये मार्केट कितने में बिकेगा, 10 रुपए में। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और कोई रिस्क नहीं है, पहली बात। और इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी 2 साल होती है। अब इस प्रोडक्ट को आपको कैसे मार्केट में प्रेजेंट करना है, आपको इसका कैसे अपना ब्रांड बनाना है, सारी प्रोसीजर आप लोगों को शेयर करेंगे। इसके पहले हम बिजनेस पे फोकस कर लेते हैं, बिजनेस कितने प्रकार के हैं। जैसे दोस्तों, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, बिजनेस 2 टाइप के मुख्य रूप से होते हैं। एक तो वो बिजनेस होता है जिसमें आप दूसरे का सामान बेचते हैं, दूसरे का सामान आप लेकर के मिक्स करके आप बेचते हैं, तो उसमें आपको स्ट्रगल करने के कितने चांसेज रहते हैं। इसमें आप दूसरे का ब्रांड बना रहे हैं, दूसरे का ब्रांड मोटिव कर रहे हैं, दूसरे के ब्रांड से आप कमा रहे हैं। एक तो इस टाइप का बिजनेस होता है जिसे हम OTC, जिसमें अपने आप बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम OTC प्रोडक्ट कहते हैं। और एक होता है, इसी में OTC प्रोडक्ट होता है जिसके आप खुद ऑनर हो, जिसके आप खुद मालिक हो। तो दोनों में कौन सा अंतर होगा, दोनों में कौन कितना अंतर है, डिफरेंट जमीन आसमान का अंतर है। उस बिजनेस में आप क्या करेंगे, उस बिजनेस में जो दूसरे का आप बेच रहे हैं, इसमें जब तक आप दुकान खोलेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तब तक आपके पास पैसे आएंगे, और जिस दिन आपने दुकान को क्लोज कर दिया उस दिन से आपके पास पैसे आना बंद हो गए। और इस बिजनेस को हम जपते हैं जिसमें आपका अपना खुद का ब्रांड होता है, इसको जरा हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों चलिए, आज आपने मान लिया, आपने आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, और इस प्रोडक्ट को आप 2 तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। एक तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के, अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, छोटा सा भी प्लांट डालेंगे तो उसमें आपको चाहिए, पहली बात तो जमीन चाहिए, स्पेस चाहिए, और उसके बाद आपको लाइट का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन लेना होगा, ऊपर से कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस लेने होंगे। छोटे मोटे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे बड़े स्तर पर बिजनेस के करेंगे तो कुछ उद्योग लाइसेंस लेने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको मशीनरी लेना पड़ेगा और कुछ ऐसी एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस टीम, ऊपर से आपको रॉ मटेरियल स्टॉक में रखना पड़ेगा। ये सारे रखने के बाद आपको बल्क में बनाना भी पड़ेगा, बल्क में स्टॉक भी रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, और फिर आप इसे एक सिस्टम से, एक चैन के माध्यम से, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, एजेंसी देंगे, फिर सेल्फ मैन रखेंगे, मैनेजर रखेंगे, एरिया मैनेजर रखें, मतलब एक सिस्टम से बेचेंगे। अब यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल, अब यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम ना डाल के, जैसे सबसे ज़्यादा पैसे किसमें खर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने, ना डाल के यही प्रोडक्ट क्या हम बेच सकते। जी हाँ, आज ऐसे ऐसे हमारे पास सिस्टम है कि जैसे कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटियाँ हैं, वो सिर्फ दूसरे का ही प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अपना मार्केट में मार्केटिंग नहीं करते, वो दूसरे के लिए यानी कि थर्ड पार्टी ही प्रोडक्शन करते हैं। और आज जो मार्केट में 80% लोग हैं ऐसे ही प्रोडक्ट बनवाते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालते हैं, रिस्क का काम नहीं करते हैं, कम पूंजी में प्रोडक्ट बनवाना शुरू किए और मार्केट में बेचना शुरू किए। आप समझ गए, 2 टाइप के, ये भी 2 टाइप का हो गया और दोनों ये सूटेबल है। हम तो ये कहेंगे जो आप दूसरे से बनवा के बेचेंगे ये सबसे सेफ है, क्योंकि अभी आप नए नए हैं, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत होती है। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कितना भी बढ़िया क्वालिटी का हो, उसके लिए समय मांगता है, समय मांगेगा, आप उस लोगों तक जाएगा, लोग उसे यूज करेंगे, जब उनको विश्वास होगा तब वो ट्रस्ट करेंगे और तब धीरे धीरे आपका ब्रांड बनता है। तो कहाँ पे दिक्कत आती है बेचने में, तो जब हमारे पास आज के समय में सुविधा है तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें। तो आप समझ गए दोस्तों, तो कौन सा बेटर होगा। अब हम बात उस पर कर रहे थे, जैसे आप दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जब तक बेचेंगे पैसा आएगा, यहीं पे अगर हम अपना ब्रांड लेके मार्केट में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट, या लीजिए मान लीजिए मेहंदी का पैकेट, हम मेहंदी का ब्रांड अपना लॉन्च कर रहे हैं, और आज समझ रहे हैं दोस्तों सबको क्या जरूरत है, सबके बाल पक रहे हैं, सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं, हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, बालों वाली मेहंदी लगा रहे हैं, और सब लोग अब केमिकल वाली मेहंदी ना लगा के हर्बल मेहंदी पे जा रहे हैं, हर्बल मेहंदी प्रयोग कर रहे हैं। और हर्बल मेहंदी का मान लीजिए आपने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया,
जो एक नाम। अब ब्रांड लॉन्च करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ब्रांड अपना बनाने के लिए एक यूनिक सा नाम चाहिए जिससे सबको याद हो जाए। वैसे आपका कोई नाम है तो वही नाम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम राजेश है, आप राजेश नाम से भेज सकते हैं, आपका नाम आर्यन है तो आर्यन नाम से आर्यन मेहंदी, आर्यन हर्बल मेहंदी। अब इसको आर्यन हर्बल मेहंदी नाम से कोई ना रखे तो इसके लिए क्या करवाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपका आर्यन नाम हो गया, आर्यन हो गया, अब आर्यन नाम से कोई ना रखे तो इसके लिए आप देखते होंगे आर लिखा होता है, यानी कि इनका रजिस्टर्ड है। ये आर कैसे मिलता है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट कैसे होता है, एक भारत सरकार की आईपी इंडिया साइड है, इसी साइड पे सारे प्रोडक्टों का रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होता है। अब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिस्टम क्या है, मतलब अब आर्यन नाम से आपके नाम से सेफ हो गया, अब आर्यन नाम से कोई नहीं रख सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब कितने दिन के लिए होता, 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए सरकार है आपके लिए सुरक्षित कर दे, तो सरकार 10 साल के लिए आपके लिए सुरक्षित कर दे तो इसके कुछ चार्ज भी लेते होंगे। जी हाँ, पहले दोस्तों जब हमने 2012 में अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया था उस समय क्या फीस थी इसकी, उस समय 3,000 थी, लेकिन आज इसकी फीस 3,500 रुपये, 3,500 10 साल। अब 10 साल बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, एक फीस फिर आपको देना पड़ेगा। बस आपको क्या चाहिए, बस इतना चाहिए, एक नाम चाहिए, नाम का ट्रेडमार्क करवाना है, आपका ब्रांड हो गया, आपका ब्रांड बन गया। अब इस ब्रांड को ले जाके मार्केट में देना है, मार्केट में प्रेजेंट करना है, मार्केट में बेचना है। अब इस ब्रांड को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के चाहे बनाइए, चाहे किसी और से बनवाइए, अब वहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, जितने में आप मशीन लेंगे या जितने में आप बिजली का कनेक्शन करवाएंगे या लेबर रखेंगे, उससे कम पैसे में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें जब बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले ही मेरा सारा काम हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या और चाहिए ब्रांड बनाने के लिए, बस प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन चाहिए। जैसे अभी हमने ये लॉन्च किया, ये मेहंदी का पैकेट है, ये 5 रुपए में बिकता है, ये कितने में, 5 रुपए में। अब इसमें देख रहे हैं बहुत सारे इंट्रक्शन लिखा होता है, क्या क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है, कैसे यूज किया जाता है, ये 5 रुपए, ये 5 रुपए में आराम से मार्केट में खुलेआम बिकता है, इसकी MRP 5 रुपए। कितने में बनता है, 1.5 रुपए में बनता है, 5 रुपए में बिकेगा। और इसी में बड़ा बनता है वो कितने में बिकता है, 10 रुपए में, और बड़ा बनता है 20 रुपए में बिकता है, तो इसी तरह से बनता है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो अब पन्नी स्टॉक लेना पड़ेगा, अब पन्नी पैक करने वाली मशीन लेना होगा, मेहंदी को कटिंग करने वाले तमाम तरह की मशीन, और इसी तरह से रॉ मटेरियल। क्या हम रिस्क लें, हम चले जाएं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके यहाँ से हमको ये 5,000 पीस बनवाना है, 10,000 पीस बनवाना, जितना पीस बनवाना उतना हम बनवा लेते हैं। अब हमको 10,000 पीस बनवाना तो 10,000 रुपये में 10,000 पीस हमारा बन के तैयार हो गया। अब 10,000 में तो हमको रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेगा, तो हमारे पैसे जितने रॉ मटेरियल हम खरीद गए उतने हमारी ब्रांड बन जाएगा। बस इसको बनवा करके नाम ट्रेडमार्क करवा लिए, और एक आपको क्या लेना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप GST नंबर आप ना कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, तो आप जो फेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से लेंगे, तो भाई उनके माध्यम से लेंगे, कुछ ना कुछ आपसे चार्ज लेंगे। तो आप समझ गए, GST नंबर हो गया, ब्रांड हो गया। अब इसको ब्रांड बना, तब जैसे ही है, अब इसको इतना अट्रैक्टिव बनाना है, पैकेट इतना अट्रैक्टिव बनाना है, भले इसमें 5 ग्राम हो, भले 2 ग्राम हो, लेकिन पैकेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पैकेट की साइज बड़ी होना चाहिए, किसी को लगे कि हम 5 रुपए दे रहे हैं तो हमें बड़ा पैकेट मिल रहा है। तो बस पैकिंग डिजाइन और कलर आपको चॉइस करना है, पैकिंग डिजाइन। तो आप पैकिंग डिजाइन किसी सॉफ्टवेयर से अलग से जाके करवा सकते हैं, और नहीं तो आप वहीं जहां पे कंपनी बनवाने जाएंगे वो कलर पैकिंग डिजाइन सब करके आपको दे देंगे, सिर्फ वहां आपको नाम बताना है। तो आप समझ गए, अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट की वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन होनी चाहिए, और कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए, और क्या चाहिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और लो क्वालिटी में कितने का अंतर आता है, सिर्फ 1% का, 1% का डिफरेंट आएगा। जैसे जो प्रोडक्ट आपका क्वालिटी बेस का 2 रुपए में बनेगा, वही प्रोडक्ट नॉन क्वालिटी बेस का 1 रुपए में 90 पैसे में बनेगा। यही 10 पैसे के चक्कर में लोग क्वालिटी गिरा देते हैं, और जिससे उनका ब्रांड नहीं बन पाता है। तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखिए। अब आपने
एक प्रोडक्ट आपका बन गया, आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके गए, अब एक लोग के पास दिए, दो दुकानदार को दीजिए, डायरेक्ट ग्राहक को आप दे दीजिए, जो पहले आपके जानने वाले चाहे हित मित्र हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, लेकिन उन्हें ये मत बताना है हम खुद बनवा के बेच रहे हैं, नहीं तो कहेंगे तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे यार दोस्त है, यार क्या तुम कर लोगे। वो कंपनी वाले बड़े दिमाग वाले होते हैं, तुम कंपनी वंपनी नहीं चला पाओगे, तुमको वही हीन भावना भर देगी। तो कभी भी ये मत कहना कि हमारी अपनी कंपनी, इसको कभी किसी से मत शेयर करना, कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, बस ये करना भैया मैं इस कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, इसलिए मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, आप यूज करिए, अगर ये क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो इसको प्रयोग करें, फिर हमें आप फीडबैक दीजिए, अगर कोई कमी आती है तो आपका फीडबैक हम स्वीकार करेंगे, कंपनी तक पहुँचाएंगे और जो भी कंपनी उसको कमी है उसको दूर करेंगे, ऐसा कह के आप बेचिए, तब आप देखिए। तो धीरे धीरे ये आपके प्रोडक्ट जब लोगों तक जाएंगे, लोग यूज करेंगे और इसकी क्वालिटी पाएंगे, ये ब्रांड बनता गया। अब आप मान लीजिए आपका ब्रांड बनाने में आपको 5 साल लग गया, कोई बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है, इतना याद रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी भी बिजनेस में पांव रखिएगा उसको आपको 5 साल देना पड़ेगा। 1 से 5 साल के बीच में कभी आपका बिजनेस अप होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी आप जीरो में चले जाएंगे, कभी आप माइनस में चले जाएंगे, कभी आप 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट में चले जाएंगे, क्योंकि इस बीच आप बहुत कुछ सीखते हैं और सीख जो मिलती है मेरे बताने से नहीं, जब आप खुद अपना बिजनेस करते हैं तब सीख मिलती है और यही सीख आपके काम आती है। इसलिए बिजनेस में आदमी गिरता है, उठता है, गिरता है, और लेकिन जब 5 साल तक आप गिरने उठने को संभाल लिए और इस 5 साल में अपने आप को आपने संभाल लिया, तो 5 साल के बाद कितना ग्रो होगा आप सोच भी नहीं सकते, हजार हजार गुने का ग्रो होगा, हजार हजार गुना प्रॉफिट पे आप जाएंगे। उसके बाद 5 साल के बाद आपको लौटना नहीं है, बस ये हमेशा ध्यान देना है, कस्टमर को ध्यान देना है कि कहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्वालिटी को मेंटेन रखिए और मार्केट को आपको सर्वे करते रहना होगा कि कहीं इस रेट में जा रहा है, हमारा रेट महंगा तो नहीं है, कोई और क्या ऑफर दे रहा है, हम भी ऑफर देते जाए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने एजेंसी वाले से, जो आपकी एम्प्लॉई है उन्हें हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना होगा, उन्हें भी मोटिव किए रहना, वही तो आपके क्या है पैर हैं, वही तो आपके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनसे हमेशा आपको एक रिलेशनशिप बनाकर ऐसे प्रोडक्ट को क्वालिटी बढ़ा। अब आप समझिए वो जो बिजनेस आप दुकान किए हैं उस बिजनेस को जब खोलेंगे तब पाएंगे, और इस बिजनेस को आपको ब्रांड बनाने में मान लीजिए 5 साल लग गया, अब 5 साल जब ब्रांड बनाने में लग गया, बस अब आपको बैठ करके सिर्फ पानी देना है, बस पानी देना है, जैसे पेड़ लगा दीजिए, पेड़ को 5 साल तक उसकी सेवा कर दीजिए, 5 साल बाद फिर वो फल देना जब शुरू करता है ना, तो सिर्फ उसे पानी आप देते रहिए, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेता है, क्योंकि उसे अब ना तो कोई जानवर खा सकता है, ना तो हवा का झोंका उसे गिरा सकता है। उसी तरह से बिजनेस होता है, वे 5 साल में बिजनेस आपका इतना पांव पसार चुका होगा, उसे ना तो कोई हवा का झोंका रोक सकता है, कुछ ना कुछ गिरे पड़े तो भी लाखों करोड़ों रुपए महीने आता है। किसी का कोई भी ब्रांड का आप सर्वे कर लीजिए, कितना बिकता होगा, आप एक नमक ले लीजिए किसी भी कंपनी का, जो ब्रांडेड कंपनी, मैं क्या क्यों नाम लूँ, नाम लेने क्या जरूरत, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का नाम नमक ले लीजिए, आपके घर में महीने में एक पैकेट यूज हो रहा है, कितने घर हैं, कितना यूज हो रहा है, वो बैठा है मालिक वहाँ, उसके घर पे प्रोडक्ट आ रहा है, यही प्रॉफिट है। लेकिन आज वो आपके घर तक अपने ब्रांड को पहुँचाया है तो उसने मेहनत भी किया होगा, पैदल भी चला होगा, लोगों की ठोकरें भी खाया होगा, लोगों की जो है ताने भी सुने होंगे क्वालिटी को, लेकिन उन्होंने बना के रखा है। इसे कोई भी ब्रांड आप जो भी लाइक करते हैं, जो भी ब्रांड आप पसंद करते हैं, आप उसका सोचिए, कभी सोचिए, कभी वो भी ऐसे छोटा रहा होगा, आज ब्रांड बनाया है, ये आपके दिमाग। तो दोस्तों इसमें आपने समय दे दिया, अगर 5 साल का, 5 साल के बाद अपने आप बिकेगा, आप बैठे रहिए घर पे, माल आपका बिकेगा, सिर्फ आपको मैनेज करना है, बस देखभाल करना है, बस पानी देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन वो जो बिजनेस आप दूसरे का कर रहे हैं, उस बिजनेस में जब तक आप दुकान खोलेंगे तब का, और ये वाला बिजनेस जो अपना अपना प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं भैया नौकरी मत करो, दूसरे का बिजनेस मत करो, अपना बिजनेस करो, छोटा बिजनेस करो, ये रॉयल्टी वाला बिजनेस है, ये रॉयल्टी वाला बिजनेस है, रॉयल्टी इनकम आती है। आप एक बार पेड़ लगा दीजिए, फिर फल खाते रहिए, बस पानी देते जाइए मित्रों,
तो जो आज हमने आपको बिजनेस बताया ये यही मेहंदी का बिजनेस है। मेहंदी का बिजनेस दोस्तों बहुत बढ़िया चलेगा, आज सब लोग मेहंदी यूज कर रहे हैं, यानी कि 5 साल 6 साल के बच्चे भी बाल पक जा रहे हैं वो भी लगा रहे हैं। तो क्या करना है, बस एक नाम चॉइस कर लीजिए, नाम का ट्रेडमार्क करवा लीजिए और उसके बाद आप चले जाइए गूगल पर सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक कंपनी, और सारी कुछ कंपनियां उसमें से कॉस्मेटिक कंपनी डालिए, थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक कंपनी, तो उनके कंपनी के पास आप जाएंगे, वहां से आप मेहंदी बनवाइए। आपसे वहां पे क्या मांगा जाएगा, आपका नाम मांगा जाएगा, आपके ब्रांड का क्या नाम है, और आपसे जीएसटी नंबर, बस आप घर बैठे, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, घर बैठे प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में लाके बेचिए। प्रोडक्ट की डिजाइन भी करवाने की जरूरत नहीं, वो प्रोडक्ट की डिजाइन उजाइन सब करके दे देंगे। सिर्फ वहाँ आपको ये बताना है 5 रुपये वाला पाउच बनवाना है, 10 रुपये वाला पाउच बनवाना है, 20 रुपये वाला पाउच बनवाना है, कितने ग्राम में बनवाना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्वे करना होगा, थोड़ा सा कष्ट करना होगा। आप जिस स्टेट से, आपके स्टेट में कौन सी कंपनी की मेहंदी सबसे ज्यादा बिकती है, हर्बल मेहंदी सबसे ज्यादा बिकती है, उसी का एक पाउच खरीद लीजिए। या आप मेहंदी लगाते होंगे, कौन सी मेहंदी लगाते हैं उसका एक पाउच खरीद लीजिए और वो पाउच लेके जाइए, हमें यही फार्मूले का सेम चाहिए, वही फार्मूला आपका बन जाएगा। जितने जितने क्वांटिटी का पड़ा है यही क्वांटिटी होना चाहिए, इससे अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा पैकेट हमारा होना चाहिए, हमारा पैकेट देखने में इससे अच्छा लगे, तो उसी ढंग से वो डिजाइन कर देंगे, शेयर फार्मूला दे देंगे, सब कुछ वही क्वालिटी दे देंगे, फिर लाइए आप बेचिए, कुछ नहीं करना है। कम पैसे में, कितना पैसे लगेगा, 10,000-5,000 रुपए में आप शुरू करिए। अब कमाने का आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप कमा सकते हैं, 1,000 एक दिन में 5,000 भी कमा सकते हैं, एक दिन में 10,000 भी कमा सकते हैं, एक दिन में 1 रुपये भी कमा सकते हैं, एक दिन में 1 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं, अभी शुरुआत है। लेकिन जब ये ब्रांड बन जाएगा 4-6 महीने आपको मेहनत करते हुए, तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते किधर से पैसा, कितना पैसा आ गया, ऑर्डर पे ऑर्डर आता रहता है, ऑर्डर पे ऑर्डर। इसका आपको सर्वे करना है, किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, जो लाइक आप बिस्किट बहुत खाते होंगे, किस कंपनी का आप खाते हैं आप सोचिए, आपके घर कौन सा बिस्किट आता है आप सोचिए, जब आपके घर छह दस पैकेट आपके घर पे भी आ रहा, तो ऐसे कितने इंडिया में कितने लोग हैं और सबके घर ऐसे जा रहा, तो कितना वहां पे उत्पादन होता होगा, क्या वो भी आज इतने बड़े पे पहुंच गए, वो भी तो जीरो से शुरू किए होंगे दोस्तों, शुरुआत जीरो से ही होती है, हीरो तो आदमी बांध में बनता है, तो हीरो बनना आपके हाथ में है। हमने भी दोस्तों अपनी कंपनी की जब शुरुआत किया था, एक प्रोडक्ट सोचा था, हमने 5 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था अपनी फार्मा कंपनी का, और 5 प्रोडक्ट को आज हमने 10 डिस्ट्रिक्ट में उसको बेच रहे हैं, बैठे हैं हम कहीं हैं और मेरा प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में बिक रहा है। बस हमें किसको डील करना है, मैनेजर को डील करना है, मैनेजर किसको डील करेगा, MR को डील करेगा, MR किसको डील करेगा, डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाएगा, मेडिकल स्टोर पे कंसल्ट करेगा, ये सारे सिस्टम होते हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, हर एक आदमी कर सकता है, सिर्फ वो सोच ले कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये छोटा सा बिजनेस है, आप इस छोटे से बिजनेस को करके अपने आप सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। बस आपको हिराश नहीं मानना है, बस आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, ये याद रखना कि मेरी मंजिल वहां है जहां पे दूसरे का ब्रांड बिक रहा है। कल किसी दुकान पे आप जाइए जहां सामान लेते होंगे, वहां जाइए जहां पे उसका ब्रांड रखा है, आप उसी दिन अपना नोटिस कर लीजिए, कल यहां पे मेरा हमारा ब्रांड मेहंदी का ब्रांड लगेगा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दीजिए, आपका एक दिन वहां पे उस दुकान पे उस स्थान पे आपका ब्रांड लग जाएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए ऐसे बिजनेस की शुरुआत होती है। आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बना के, अपना ब्रांड बनाने से संबंधित, प्रोडक्ट बनवाने से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, पूरा एकदम सत्य जानकारी मैं दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, आप हमसे पूछिए, वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड। अगर वास्तव में आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी इसमें सच्चाई है। मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ, मैं किसी से पूछ कर किसी की बायोग्राफी पढ़ के मैं नहीं बताता हूँ, मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ के नहीं बताता हूँ कि ये कैसे सफल हुए। अगर वो सफल है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, वो अगर सफल है तो मैं सफल हो सकता हूँ। मैं इसी उद्देश्य से किया था कि जब हमने फार्मा अपनी कंपनी की लॉन्चिंग किया था,
हमने जो टैबलेट खाता था, कभी हमने दर्द की पैरासीटामॉल खाया तो हमने खाया, तो फिर वो मेरे हाथ में जब स्टिप आया, हमने कहा यार ये कहाँ था और ये कैसे मैं यहाँ खा रहा हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये विचार मेरे आया था जब मैं एट में पढ़ता था, और मैं अपनी कंपनी की जब स्थापना किया उस समय सारा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करने के बाद 2010 में हमने अपनी कंपनी की, और विचार कब आया होगा, शायद हम एट में थे तो 90-90 में रहे होंगे, तब विचार आया और हमने उसको कब ला के प्रजेंट किया। दोस्तों कब ये हो जाएगा मैं नहीं जानता था, इसी तरह से कब हो जाएगा आप नहीं जानते हैं। बस ये होना चाहिए कि किसी ने अपना ब्रांड बनाया है, वो भी इंसान है, तो मैं भी अपना ब्रांड बना सकता हूँ, चाहे जो भी मुझे इसे करना पड़े, चाहे जहाँ से जानकारी हासिल करना पड़े, मैं जानकारी को हासिल करूँगा और अपने ब्रांड को बनाऊँगा। उसी दिन आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। जिसने भी पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, तभी आपको समझ में आती, ऐसे नहीं आते, तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं। तो कोई भी हेल्प चाहिए आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।